लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सास ससुर और पति के सामने इस एक ट्रेस ने किया मास्टरबेशन, बोली पति ठुला है तो मैं क्या करूं। कुछ दिन पहले स्वरा भास्कर की फिल्म वीरे दी वेडिंग रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके एक सीन को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें काफी ट्रोल किया था। सीन में स्वरा मास्टरबेशन करती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद स्वरा ने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब एक और एक्ट्रेस ने फिल्म में कुछ ऐसा ही सीन किया है। इस एक्ट्रेस का नाम है कियारा आडवाणी। हाल ही में उनकी फिल्म लस्ट स्टोरीज रिलीज हुई है। यह करण जौहर की फिल्म है। फिल्म में कियारा एक नई दुल्हन का किरदार निभा रही हैं, जिसका पति उसे सेक्सुअली संतुष्ट नहीं कर पाता है। एक इंटरव्यू में बात करते हुए कियारा ने इस सीन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब करण ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी तो इसमें गाना नहीं था, लेकिन जब हमने इस सीन में अलाप सेट किया तो सभी को काफी पसंद आया। कियारा से पूछा गया कि इस सीन के बारे में आपने दोबारा नहीं सोचा? इस पर कियारा ने कहा, मैंने एक बार फैसला कर लिया है तो फिर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे करण जौहर पर पूरा भरोसा है। हमें लगता है कि हमने एक यादगार सीन दिया है। यह फिल्म एक गंभीर विषय पर बनी है। करण जौहर को ना कौन बोलना चाहेगा, मैं शायद स्क्रिप्ट सुनने से पहले ही हाँ बोल देती। हम एक रात पहले डायलॉग की प्रैक्टिस करते थे और फिर करण सेट पर हमें बेहतर करने के लिए समझाते थे। इतने बड़े मास्टरबेशन सीन के बारे में भी उन्होंने बात की। लस्ट स्टोरीज में कुछ बेडरूम सीन है, ये सब मैंने पहली बार किया है। मेरे लिए ये सब नया था, लेकिन मैं कंफर्टेबल थी। वहीं विकी कौशल ने भी मुझे काफी कंफर्टेबल फील करवाया। उनके साथ काम करना बहुत आसान था। वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने हंसकर कहा, इस फिल्म में वो नपुंसक हैं तो मैं क्या करती, मुझे वो सीन करना ही पड़ा।